जितना पुराना होता है उतना ही खतरनाक होता है। इस हीरो को मैं दौड़ाऊंगा, घोड़ा भी हीरो बनेगा, पैसे भी वो लगाएगा। बॉलीवुड की फिल्म सीरीज की बात करेंगे जिसने लोगों को कई सालों से एंटरटेन किया है। आज हम बात करेंगे इंडियन एक्शन थ्रिलर फिल्म सीरीज रेस की। जब फिल्म मेकर्स ने सीरीज की फोर्थ सीक्वल फिल्म रेस 4 की बात की तो लोगों में एक्साइटमेंट देखने को मिला। अब्बास मस्तान द्वारा डायरेक्टेड और रमेश एस तौरानी और कुमार एस तौरानी द्वारा प्रोड्यूस की गई ये मूवी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसमें हमें एक्टर सलमान खान, बॉबी देओल इस फिल्म में लीड रोल्स में नजर आएंगे। जहां इस फिल्म के फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को डायरेक्ट किया था डायरेक्टर अब्बास मस्तान ने, वहीं इस सीरीज की थर्ड फिल्म रेस 3 के डायरेक्टर के तौर पर हमें नजर आए थे रेमो डिसूजा। लेकिन फिल्म रेस 4 में हमें फिर नजर आएंगे डायरेक्टर अब्बास मस्तान। हालांकि इस फिल्म के लीड रोल में हमें रेस फेम स्टार एक्टर सैफ अली खान के होने की संभावना भी जताई जा रही है। ऑल्दो इस सीरीज की सारी फिल्म्स एक दूसरे से अलग है, लेकिन इस फिल्म ने लोगों को हमेशा एंटरटेन किया है। जहां इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट में हमें कई स्टार्स जैसे अनिल कपूर, उदय चोपड़ा, सैफ अली खान, सलमान खान, एक्ट्रेस अमीषा पटेल, करीना कपूर खान, दीपिका पादुकोण और कई और सुपरस्टार्स को देखने का मौका मिला है, वहीं लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस फिल्म में हमें धमाकेदार कास्ट को देखने मिलेगा। अगर आप भी इस उम्मीद में हैं, तो हम आपको बता दें कि ये फिल्म एक एक्शन पैक फिल्म होगी जहां हमें एक्शन सुपरस्टार सलमान खान नजर आएंगे। इतना ही नहीं, सीरीज की बाकी सारी फिल्म्स के जैसे इसमें कई एक्शन और मजेदार कहानी भी प्रेजेंट होगी। हालांकि इस फिल्म में हमें मेन लीड पे किसी एक्ट्रेस को साइन नहीं किया गया है, लेकिन हम आपको बता दें कि इस फिल्म की कास्ट में जल्द ही कोई एक्ट्रेस के साइन होने की खबर सब तक रिलीज की जाएगी। जैसे रेस 3 एक फैमिली से रिलेटेड स्टोरी है, तो शायद इस फिल्म में भी हमें एक्टर सलमान खान का फिर से भाईचारा देखने को मिल सकता है और शायद ये हमें और कई स्टनिंग रोल्स में नजर आए। हालांकि इस फिल्म को रिलीज और इस फिल्म से रिलेटेड सारी खबर रिलीज होनी है इस साल तक, लेकिन आप घबराए नहीं, इस फिल्म से जुड़ी सारी छोटी से बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए हम आपसे लेते